ठीक है मिस्टर हार्ले, आप हर बात को मौजू समझते हैं। वैसे मैंने आपको थोड़ा सा इशारा दिया था और इस सिलसिले में अपने प्रोग्राम का ऐलान किया था। आपने क्या फैसला किया इस बारे में? मैंने जितना इस मंसूबे पर गौर किया है उतना ही मैं इससे मुतासिर हुआ हूँ और यकीनी तौर पर यह बात बड़ी सनसनीखेज अहमियत की हामिल है। और हम ये महसूस करते हैं कि अपने दुश्मनों को मंजरेआम पर लाने की इससे उम्दा कोई और तरकीब नहीं हो सकती। अगर आप इस मंसूबे से मुत्तफिक हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें इस पर आखिरी गुफ्तगू कर लेनी चाहिए, आखिरी और फैसला कुन गुफ्तगू। मैंने कहा, ठीक है ठीक, क्यों डियर फिजी, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो खुद इस बात से बहुत मुतासिर हूँ और ये महसूस करती हूँ कि वाकई इससे उम्दा और कोई तरकीब होना मुमकिन नहीं है। ओके, और इस सिलसिले में कोई खास बात? मेरा मतलब है, लायंस की कुछ ऐसी शरायत तो नहीं है इस बारे में जो आप हमें बताना चाहते हैं? लायंस सिर्फ इस बात की ख्वाहिशमंद है कि शी गाव पर मार्शल फ्यूडल को मुकम्मल इक्तदार हासिल हो जाए। और इस सिलसिले में आप हमारी नेक नियति पर पूरा पूरा यकीन रखते होंगे मिस्टर हार्लेरस। ये भला कोई कहने की बात है? लायंस के इस एहसान के नतीजे में मार्शल फ्यूडल, मैं, फिजी, सब एक नई जिंदगी से हम आहंग हो रहे हैं। बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आप मेरे कुछ सवालात के जवाबात दीजिए। हाँ, हार्लेरस ने कहा, आपके पास, मेरा मतलब है शी गाव के फौजियों में आपके ऐसे कुछ अफराद जिन्हें आप अपना दोस्त और दुश्मन तसव्वुर करते हों, क्या उम्दा सवाल किया है आपने? और अगर आप ये सवाल ना करते तो मुझे सख्त हैरत होती, क्योंकि ये सवाल बुनियादी नौयत का हामिल है, हार्लेरस ने तारीफी अंदाज में कहा और फिर हेडलक की तरफ देखा। हेडलक ने ब्रीफकेस खोलकर सामने रख दिया और हार्लेरस ने उसमें से एक फाइल निकाली और उसे मेरे सामने रखते हुए बोला, इनमें तमाम अहम लोगों के बारे में तफसीलात मौजूद हैं, यानी वो जो हमारे लिए मुश्तबा हैं और वो जिनके बारे में जनरल फ्यूडल, मेरा मतलब है शी गाव का हुक्मरान, जानता है कि वो किस तरह उनके लिए जान की बाजी लगा सकते हैं। ये फाइल इस वक्त यहाँ देखना मुमकिन नहीं है, आपको ये हमारे हवाले करना होगी। बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी जरूरत पेश आए जिसे आप महसूस करते हैं कि जरूरी है तो हम इसमें भी तआवुन के लिए तैयार हैं। एक इंतहाई अहम बात, मैंने एक बार फिर हेडलक की तरफ देखा तो हार्लेरस बोला, नहीं मिस्टर, असल में हेडलक को मैं यहाँ से रवाना कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैंने बचपन का वो तासुर आज तक खत्म नहीं किया जो इसके लिए मेरे दिल में कायम है, और इंतहाई मुश्किल हालात में इसे अपना साथी रखता हूँ। आपको अपना एक डुप्लीकेट भी फराहम करना होगा जो आपकी जगह काम करे, खुद आपका तहफ्फुज़ लायंस के सुपुर्द होगा, लेकिन आपको मंजरेआम से हटना होगा। क्या? हार्लेरस की पेशानी शिकन आलूद हो गई। हाँ, आप जिस कदर अहमियत के हामिल हैं, लायंस ने फैसला किया है कि आपके तहफ्फुज़ के लिए आपको मंजरेआम से कुछ वक्त के लिए हटना होगा, लेकिन आप खुद सोचिए, ये वाहिद बात है जो मेरे लिए बायस परेशानी है। जो हालात चल रहे हैं, अगर इनमें अपने आप को बेदस्तों पा कर लूं तो क्या मेरा एक लम्हा भी सुकून से गुजर सकता है? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन ये लायंस की जरूरत है। हम यही बेहतर समझते हैं कि आप अपना एक डुप्लीकेट सामने लाएं और खुद पर्दा पोशी इख्तियार कर लें। आह, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं इस सूरत हाल से अपने आप को एक लम्हे के लिए भी अलग नहीं कर सकता। देखो माई डियर, मेरे अपने तहफ्फुज की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें अंदाजा है कि मैं आज तक दुश्मनों के कब्जे में नहीं आ सका, इस सिलसिले में कोई जिम्मेदारी लायंस पर नहीं आती। गौर करना पड़ेगा, मैंने पुरख्याल अंदाज में रुखसार खुजाते हुए कहा। फिर हेडलिक की तरफ देखा तो हेडलिक खुद ही बोला, किसी का बार बार मेरी जानिब देखना इस बात का इजहार करता है सर कि आप मेरी यहाँ मौजूदगी को पसंद नहीं करते। वैसे मिस्टर हार्लेरस, आप इस बात को जरा बराबर महसूस ना करें कि मैं इस वक्त बाहर जाने की कोताही को अपनी तोहीन तसव्वुर करूँगा। मैं चलता हूँ, आप जब भी चाहें मुझे तलब कर सकते हैं, उसने कहा और गर्दन को खम करके बाहर निकल गया। हार्लेरस के चेहरे पर एक लम्हे के लिए इज़्तिराब के आसार फैल गए थे और फिर वो खामोश हो गया था। हेडली के बाहर जाने के बाद मैंने कहा, आपको ये आदत भी तर्क करना होगी मिस्टर रेस। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस दौरान सिर्फ वो लोग हकीकते हाल से बाखबर रहेंगे जिन पर लायंस एतमाद करेंगे। आप कहीं भी धोखा खा सकते हैं, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। बाज़ बातें जज्बाती नौयत की हामिल होती हैं, जज्बाती नौयत की हामिल बातों पर लायंस यकीन नहीं रखती। हम जिस काम को अपने तौर पर कर रहे हैं इसमें हम यही चाहते हैं कि कम से कम हमारा एतमाद कायम रहे। बहरहाल ये मेरी ख्वाहिश थी, न जाने आप इस कदर छोटी सी बात को। देखिए, इस वक्त आपका सेक्रेटरी भी तो आपके एतमाद की शख्सियत थी, लेकिन हेडलक, मेरा ख्याल है इस सिलसिले में हमें इतनी ज्यादा जज्बाती कैफियत का इजहार नहीं करना चाहिए। माई डियर रेस, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लायंस अपने आदमियों की जिंदगी भी तो दाव पर लगा रही है और आप लायंस की शरायत कबूल कर चुके हैं। वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होगा।
फीजी तुम क्यों नहीं गौर कर रही? तुम्हें खुद मेरी फितरत के बारे में अंदाजा है, मैं कैसे इन हालात से दूर रह सकता हूँ। आपका एहतराम सर आंखों पर और आपका ख्याल और एहसास भी, लेकिन बदकिस्मती से लायंस के लिए जरूरी है और हम अपने तौर पर ये सब कुछ बहुत जरूरी समझते हैं। ठीक है फीजी, अगर इस बात से मुत्तफिक है तो मैं क्या कह सकता हूँ। गोया अब मैं सिर्फ एक मोतल शख्स की हैसियत से जिंदगी गुजारूंगा। जिंदगी में सिर्फ चंद लम्हात, कोई ना कोई ऐसी तरकीब निकाल ली जाएगी जिससे इस सिलसिले में आपको मुअत्तल भी ना रहना पड़े। मसलन जब हम अपने काम का आगाज करेंगे तो आपके डुप्लीकेट से ज्यादा फासला नहीं रखा जाएगा, किसी न किसी हैसियत से आपको उसके करीब रहने दिया जाएगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी असली हैसियत से सामने रहकर बड़ी मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। अगर ऐसा हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये एक दिलचस्प पहलू होगा कि मैं नहीं होगा और वो नहीं होगा जो मैं होगा। वाह, ये बात तो दिलचस्प है। हार्ले रेस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वैसे मुझे हार्ले रेस के बारे में ये अंदाजा हो रहा था कि ये शख्स खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, लेकिन है किसी हद तक जज्बाती आदमी। बहरहाल लाइंस इसके लिए नहीं बल्कि मार्शल फ्यूडल और शी गाओ के लिए काम करना चाहती थी ताकि इसके नतीजे में फलस्तीनी मकासद को वो तहफ़ुज हासिल हो सके जो मार्शल फ्यूडल ने पहले इसके लिए मुहैया किया था और जिसे तंजीम के लिए निहायत कारामंद महसूस किया गया था। कुछ लम्हे सोचते रहने के बाद अचानक ही हार्ले रेस ने कहा, वैसे मेरे डुप्लीकेट के लिए अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो। नहीं माय डियर रेस, इसके लिए भी हमें लाइंस ही से अपना आदमी मुंतखब करना होगा, मैंने उसके कुछ बोलने से पहले कहा और वो खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगा। फिर वो बोला, एक शख्स मेरे इल्म में था जो मेरा 100% डुप्लीकेट है। एक बहुत सी मामूली तब्दीली के बाद वो मेरा किरदार मुकम्मल तरीके से अदा कर सकता है। नहीं, हम ये इंतजाम खुद कर लेंगे, मैंने कहा। बहुत मुनासिब बात है हार्ले रेस, लाइंस के मामलात में मुदाखलत करने का मतलब है कि हम इसके रास्ते में रुकावटें डालें। बहरहाल एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, अगर आप मुनासिब समझे मिस्टर जहांगीर जमाल शाह, क्या इन सारे मामलात में अगर मैं भी साथ रहूं तो क्या मेरे लिए भी गुंजाइश नहीं है? मेरा जहां तक ख्याल है अगर ऐसा हो जाए तो मिस्टर रेस को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, ये बहुत अच्छा रहेगा डियर। जब तक मुझे किसी हैसियत से इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर लिया जाता तो कम अज कम तुम हालात से बाखबर रहकर मुझे उनके बारे में बताती रहो। बात ये नहीं है कि मैं लायंस की कारकर्दगी से मुतमाइन नहीं हूँ, बल्कि यूँ समझ लो कि मैं इस सिलसिले में एक कमजोर शख्सियत का मालिक हूँ। फिर बाकी सारे मामलात के बारे में हार्ले रेस ने कोई एतराज नहीं किया था, यहाँ तक कि हमने वापसी की इजाज़त तलब कर ली और अब कोई ऐसा मसला बाकी नहीं रह गया था जिस पर गुफ्तगू होनी हो। हार्ले रेस के फरिश्तों को भी इस बात का इल्म नहीं हो सका था कि ये सारा चक्कर क्या है। रास्ते में फिजा जब भी मेरे साथ थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये हार्ले रेस और फिजी भी क्या याद करेंगे कि लाइन से वास्ता पड़ा था। वैसे हकीकत यह है कि हम जो कुछ कर रहे हैं निहायत मुखलिसाना तौर पर कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल बड़ी संगीन है। अब सवाल ये पैदा होता है डियर कि क्या मुझे तुमसे इस दौरान दूर रहना पड़ेगा? मतलब ये कि मुझे तो तुमने फिजी का मेकअप दे दिया है और फिजी की हैसियत से ज्यादातर मुझे हार्ले रेस के साथ ही रहना होगा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मैंने कहा, लेकिन हार्ले रेस खुद कहाँ हार्ले रेस होगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मामला बहुत उलझा हुआ है, लेकिन बहरहाल जैसा कि तुमने इसे वादा किया है कि वो अपने डुप्लीकेट के करीब ही मौजूद रहेगा, इसके लिए जो कोई भी फैसला किया जाए वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा इसके साथ रहना जरूरी होगा। मैं खुद भी तो यही चाहती हूँ और यकीनी तौर पर मैं एक वफादार दोस्त की हैसियत से हार्ले रेस का बेहतरीन साथी रह सकूंगा। मतलब हैडली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने कहा और फिजा जैबी चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर उसने आंखें बंद करके गर्दन झटकते हुए कहा, खुदा की कसम इतना शानदार दिमाग मैंने बहुत कम देखा है। हमारी तंजीम में भी बड़े बड़े प्लान्स शामिल हैं, लेकिन इस तरह जो चक्कर तुम इन तमाम लोगों को दे रहे हो मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। कोई अगर सोचेगा तो पूरी प्लानिंग सुनकर यकीन नहीं कर पाएगा। जो लोग, मेरा मतलब है जो शख्स इन्हें चक्कर में डाल दे जिनके लिए वो काम कर रहा हो, तो उनके खिलाफ वो काम कर रहा होगा तो उन्हें तो चक्कर पे चक्कर आ जाएंगे। कमाल, खूब सोचा है तुमने। अब ये बताओ इस सिलसिले में और क्या गुंजाइश रह गई है? मेरा ख्याल है कि गुंजाइश तो मेरे लिए भी नहीं रही क्योंकि मैं वापस हार्ले रेस के पास जाऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर हम उस फाइल पर गौर कर लें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। मैं इसीलिए फौरी तौर पर तुम्हारे साथ आ गई, वरना उसूली तौर पर मुझे इस सारे प्रोग्राम के बारे में हार्ले रेस के तासरात जानने के लिए उसके पास रहना चाहिए था। हमारे लिए ये जरूरी है फिजा, किसी भी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए ये जरूरी होता है कि किसी भी किरदार को नजरअंदाज ना किया जाए। हमारे रेस और दूसरे जितने भी अफराद हैं
उनमें से हर एक का सोचने का अंदाज हमारे इल्म में रहना बेहद जरूरी है। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना? अच्छी तरह। वो मुस्कुराकर बोली और मैं उसे चौंक कर देखने लगा। फिर मैंने कहा, इस मुस्कुराहट की वजह समझ में नहीं आती। ओह, बस एक ख्याल आ गया था। क्या? मैंने पूछा, लेकिन फिजा खामोशी इख्तियार किए रही। बताओगे नहीं? मैंने कहा, बस बाज़ ख्यालात दिमाग के बजाय दिल में पैदा होते हैं और इन्हें दिल में रहना जरूरी होता है। मेरे लिए क्या इंकशाफ है, बहरहाल ठीक है, मैंने कहा और खामोश हो गया। फिजा भी संजीदा हो गई। बहरहाल जो कुछ करना था बहुत गौर करके करना था। हालात एक संगीन नौयत इख्तियार कर चुके थे। कुछ देर मुकम्मल खामोशी तारी रही। फिर मैंने फिजा से कहा, तुम्हें बहुत जल्द वहाँ वापस जाना होगा। फाइल पर गौर कर लो ताकि हम आगे के लिए प्रोग्राम मुंतखब कर सकें। बाकी मुझे उन तमाम अफराद की जरूरत है जो हमारे काम कर रहे हैं। वो सब तुम्हारे साथी हैं और एक लम्हे के अंदर अंदर तुम्हारे पास मौजूद होंगे। ये ट्रांसमीटर अपने पास रखो। जरा देर से हम तक पहुँचा है, लेकिन इस पर हम सब एक दूसरे से रابطہ कायम कर सकते हैं। उसने माचिस की डिबिया के बराबर एक इंतहाई जदीद साख्त का ट्रांसमीटर मुझे देते हुए कहा और फिर उसका तरीका इस्तेमाल बताने लगी। बज़ाहिर ये माचिस की डिबिया ही मालूम होती थी, लेकिन इसका असल मसरफ कुछ और ही था। मैंने उसे इस्तेमाल करके देखा और इसके बाद मुतमाइन होकर अपने पास महफूज कर लिया और कहा, अब जब माचिस है मेरे पास तो सिगरेट के पैकेट की जरूरत भी होगी, ताकि अगर कोई इसे देखे तो शक न कर सके। ये बात तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है माई डियर जहांगीर। फ्लैट पर पहुँचने के बाद हमने काफी देर तक उन फाइलों पर मगजमारी की थी और बहुत सी मनसूबा बंदियाँ कर डाली थी। और फिर इसके बाद फिजा जाबी ने खड़े होते हुए कहा, हालांकि ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें मुश्किलात का सामना करना ही होता है। समझा नहीं कि सिलसिले में कह रही हो? तुमसे दूर रहूंगी मैं इस दौरान। ओ हाँ, वाकई ये मरहला तकलीफ दे है, लेकिन जैसा कि तुमने खुद ही मनसूबा पेश कर दिया है और इस मनसूबे के तहत हमें इस बेचारे हेडली की भी जरूरत होगी। अरे हाँ, उसे तो हम भूल ही गए, जो बुनियादी हैसियत रखती है। कौन? मैं फिजी की बात कर रही हूँ। फिजी? वैसे दर हकीकत फिजी के लिए ये सब कुछ बड़ा अजीब होगा। पता नहीं इसका अंदाज़े फिक्र क्या हो। वैसे क्या ख्याल है, उसके बारे में मालूम कर लिया जाए? हाँ बिल्कुल, तुम कोशिश करो। और इसके बाद मैंने ट्रांसमीटर का एरियल खींच कर एक बटन दबाया और दूसरी तरफ से फौरन ही आवाज आई, एफ बोल रहा है सर। मिस्टर एफ, मैं जहांगीर जमाल शाह हूँ। सर, आप मिस्टर जे के नाम से अपने आप को मुखातिब करा सकते हैं। ठीक, ये बताओ मतलूबा शख्सियत की क्या कैफियत है? उन्हें उस महफूज जगह पहुंचा दिया गया है जिसका तायुन कर लिया गया था। इसके बाद से वो कमरे में बंद है और अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई जो बायसे तशवीश हो। जगह ऐसी है जहाँ से वो निकल नहीं सकेंगी? मैंने सवाल किया। कतई नहीं सर, आप इस बात का इत्मीनान रखें। ओके, मैंने कहा और ट्रांसमीटर बंद कर दिया। अब मुझे खासा इत्मीनान हो गया था। फिर उसके बाद फिजा जबी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, और जनाब अब मुझे भी इजाजत, आखिरकार हम एक मुश्किल मुहिम के लिए तैयार हो ही गए हैं। असल मरहला उस वक्त सामने आएगा जब हम शी गांव में दाखिल होकर एक्शन में आएंगे। मैंने कहा, बहरहाल दूसरी मुलाकात तक के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ इजाजत चाहती हूँ। फिजा जबी के चेहरे पर ऐसे तासरात नजर आए कि मेरे कदम खुद ब खुद उसकी जानी बढ़ गए। फिजा जाबी के बारे में जो कुछ भी सोचता था उसके पसे मंजर में अजीबो गरीब कहानियां मेरे जहन में आने लगती थी। फरीदा जिस तरह मुझ तक पहुंची थी और जिन जज्बों के तहत मैंने उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया था, उसमें इश्क की कोई गहरी दास्तान नहीं थी और ना ही कोई ऐसा मखसूस तसव्वुर जिसमें कोई और जज्बा शामिल हो। बस कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि अगर मैं इसे सहारा ना देता तो न जाने उस बेचारी पर क्या गुजरती। और कभी कभी इंसान ऐसे मामलात में वो करने लग जाता है जिसका उसके जहन में भी तसव्वुर नहीं होता। मेरे चारों दोस्त जो मेरे साथ बदउनवानियों में शामिल थे और इसके बाद वो हजरात जो मेरी मुखालिफत में जमीन आसमान एक किए हुए थे, यानी खुद मेरे वालिद बुजुर्गवार, मेरे भाई, उन सब लोगों ने मुझे जिस माहौल में धकेल दिया था, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो माहौल ही मेरी तश्कील का बास बना था और उसने मुझे न जाने कैसे कैसे रास्तों पर डाल दिया था, वरना शायद मेरी शख्सियत मुख्तलिफ होती। और इसके बाद जिंदगी के उलट फिर कुछ इस तरह सामने आए थे कि मैं खुद अपने आप को भूल गया था। बहुत से ऐसे जज्बे दिल में पैदा हो गए थे जिनकी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अब सोचने का अंदाज बिल्कुल बदल गया था। और हैरत की बात थी कि फिजा जाबी ने तो इस माहौल को बिल्कुल तब्दील कर दिया था। इस लड़की ने सही मानों में, अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, कि मेरे दिल में पहली बार मोहब्बत के वो जज्बे जगाए थे जिनसे शायद मैं महरूम था। फरीदा की मौत का इंतकाम मेरे दिल में था और इसके लिए मैंने उसके खिलाफ जो कार्रवाई की थी वो हकीकी मानों में एक ऐसा अमल था जिसके लिए मैं आम हालात में कभी ना सोचता। लेकिन बहरहाल इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी अपनी फितरत उभर आई और मैं वही हो गया जो पहले था।
फिजा जबी के पास आकर अगर इस तरह दोबारा ना पहुंचता और वो अपने इन जज्बों का इजहार इस अंदाज में ना करती तो शायद मेरे दिल में फिर भी कोई गदाज पैदा ना होता। लेकिन अब अंदाज फिक्र बिल्कुल बदल गया था और मैंने दिल में सोचा था कि फिजा जबी को अब वो भरपूर तासुर दूंगा जो आखिरकार मेरी जिंदगी के लिए भी एक इख्तितामिया बन जाए। आफताब कमाल ने जिस तरह मेरा साथ दिया था और इसके बाद उसकी बीवी रिजवाना दोनों इतने सच्चे और अच्छे साथी थे कि उन्हें भूल जाना नामुमकिन में से था। लेकिन अब बैरूत में उनका नामो निशान तक न था। मैंने हर तरह की कोशिशें कर ली थी और हर तरह से उन्हें तलाश करने में नाकाम रहा था और ये भी मालूम नहीं हो सका था कि यहाँ अपना कारोबार खत्म करने के बाद वो कहाँ गए। हालांकि ये कारोबार मैं जानता था मेरे लिए तश्कील दिया गया है। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगेबान।